Hi guys, what's up and welcome back to my channel. So before my last trip to Dubai, मैंने बहुत सारी shopping की थी सरोजी नगर से. अगर वो video नहीं देखी तो just go and watch that. लेकिन मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी Amazon से और जो ये आसपास की websites होती है ना, and मैंने बहुत सारी dresses order की थी Urbanic से, because उस trip के बीच में ना बहुत सारे occasions आए थे, like मेरा birthday, मनी का birthday, Christmas, New Year's and बहुत सारी दूसरी चीज़ें. So I was like कि काम आ जाएंगी, but वो ड्रेसेस तब तक डिलीवर ही नहीं हुए हैं. तब तक मैं दुबई भी पहुंच गई और अब मैं घर भी आ गई हूँ. तो मैंने घर आके देखा कि मेरे सारे ऑर्डर्स आए हुए थे, बट फिर मुझे लगा कि अब मैंने कहाँ पहन के जाऊँ. एंड अब मैंने रिटर्न भी नहीं करवा सकती क्योंकि डेट निकल चुकी है. एंड तो बस टुडे आई एम गोना शो यू ऑल द ड्रेसेस विच आई गॉट एंड वी गोना रिव्यू देम टुगेदर. एंड मैंने उन्होंने पहन के देखा भी नहीं है कि मुझे फिट आएंगी भी या नहीं. सो ठीक है, आज यही करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो द फर्स्ट इज दिस ड्रेस. इट्स ऑल सीक्विनी एंड ग्लिटरी. आई लव इट सो मच. इसका नाम है सीक्वेंस कॉकटेल ड्रेस एंड ये मैंने साइज मीडियम में मंगवाई है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज है इस ड्रेस में अवेलेबल ऐप में. एंड ये मुझे बस्ट एरिया से ना थोड़ी इल फिटिंग आ रही थी एंड ये पीछे ना क्रिस क्रॉस दिया हुआ था इनका थ्रू दिस, एक सेकेंड कहाँ गया, थ्रू दिस स्ट्रैप. तो बिकॉज ये थोड़ा वियर्ड फिटिंग आ रही थी तो इसको टाइट करने के लिए मैंने इसे बैकलेस बना दिया. एंड थैंक्स यश मेरी बैक को साफ करने के लिए. इट्स ऑल क्लीन नाउ. तो ये मुझे ना अपने बर्थडे पे पहननी थी. इमेजिन अगर मैं अपने 25th बर्थडे पे इतनी सी सीक्विनी वाली ड्रेस पहनती विथ बो एट बैक. इट्स लाइक सो परफेक्ट, बट ये नहीं आई थी. एंड देन आई एंडेड अप वेयरिंग दिस, बट स्टिल आई वॉज कम्फर्टेबल दी एंटायर डे. चलो वो बात छोड़ते हुए, ये मुझे अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में कि मैं इसे कहाँ पहन के जा सकती हूँ. इमेजिन अगर मैं किसी और के बर्थडे पे पहन के चली जाऊँ, वो मुझे कहेंगे कि तू अपना ही बर्थडे बना ले, मैं अपना घर जा रही हूँ, तू कर ले अपना कर ले. एंड आई डोंट नो कि मैं इसे कहाँ पहन के जा सकती हूँ. मैं किसी रिश्तेदार के भी नहीं पहन के जाने वाला. आई हैव नो आइडिया. सो हेयर इज़ माई ड्रेस एंड आई गेस इसको बस पहन के एंड सुंदर बन के मैं कोने में जाके रो लेती हूँ थोड़ा सा. ओके बाय. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट ड्रेस इज दिस वन. दिस इज इन ब्लैक कलर. इट्स कॉल्ड शर्ट बॉडीकॉन ड्रेस. ये मैंने साइज स्मॉल में मंगवाई है एंड मुझे लगा कि जो शीयर फैब्रिक वाली ड्रेस होती है ना, जस्ट प्रॉपर वो आएगी एंड अंदर तुम कुछ भी पहन सकते हो. एंड दिस गर्ल चोज टू वेयर लाइक अ बॉडी सूट इन साइड एंड मैं कुछ अपना देख लूंगी, बट इट केम लाइक दिस ओनली. दिस थिंग जो ये बॉडी सूट है अंदर, ये अटैच है, सो यू हैव टू लाइक लिटरली वेयर इट लाइक दिस प्रॉपरली एंड कुछ कर नहीं सकते. अनलेस अगर तुम्हें अंदर कुछ पहनना है एंड यू कैन मे बी वेयर इट आउटसाइड, बट एज इट इज वॉट इज हैपनिंग. मेरे साथ घोलमाल हो गया, मैंने गलत शॉपिंग कर ली इस बार ना. वॉट इज दिस इज लुकिंग नाइस एक्चुअली, बट नॉट फॉर हेयर. आई डोंट नो, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन के. मैं इसे फिलहाल ना रख दूंगी, इसे बिल्कुल पीछे दबा के, कि मैं भी भूल जाऊँ इस बारे में कि मैंने भी ऐसे कुछ ब्लंडर किया था अपने साथ. ओके आगे बढ़ते हैं. ओके सो नेक्स्ट इज दिस ग्रीन ड्रेस. मेरे को अपने चॉइस में ना बहुत ही ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है, बिकॉज इस बार तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दूर चली गई हूँ एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे. तो ये है रिंग बॉडीकॉन ड्रेस. बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है फॉर सम रीज़न. दिस इज टू डिफरेंट एंड मस्त. ऐसे बीच में ऐसे लाइन आ रही है, ओहो आई लव इट सो मच. एंड ये जो रिंग्स है ना, ये निकाल भी सकते हो, ये सर्कल्स ना ही खुल के निकल जाते हैं, इट्स लाइक दैट. तो अगर तुम इसके साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करना तो वो भी कर सकते हो, बट इसमें ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है तो आई एम तो जस्ट गोना वेयर इट लाइक दिस. दिस इज सो कम्फर्टेबल. फुल स्लीव्स यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है अतरंगी, ऐसा लग रहा है कुछ ही डिजाइनर सा पीस है. एंड आई जस्ट लव इट. आई लव द कलर, डिजाइन, फिट एंड द क्वर्किनेस ऑफ दिस ड्रेस. आई लव इट. मुझे इसे पहन के कहीं जा रहे हैं, बट अगेन आई डोंट नो वेयर. तुम ना मुझे सजेशंस दो कि सुनिधि आप ये वाली ड्रेस यहाँ पहन के जाना, सेकेंड वाली यहाँ, थर्ड वाली यहाँ, एंड फिर मैं देखती हूँ कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं. मुझे मार्स पे जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है. आई जस्ट रियलाइज कि हमारी ड्रेसेस का लेवल बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ हॉटनेस एक एक करके. बहुत ही बढ़िया, गुड. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट आउटफिट वी हैव हियर इज अ पैचवर्क बॉडी सूट. इट्स इन साइज मीडियम, सो आई यूजुअली गो फॉर मीडियम जब ना मेरी ड्रेस में पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता, इट्स बैकलेस. अदरवाइज मेरा फर्स्ट ऑप्शन हमेशा स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल ही होता है. बट तुम्हें इसे देख के लग रहा हो कि सोने इतना प्यारा सा बॉडी सूट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बताती हूँ, रुक जाओ. तो इसमें जो ये शीयर फैब्रिक है ना, येस इट्स अ फैब्रिक एंड नॉट अ प्रिंट. आई गेस तभी इसका नाम पैच वर्क बॉडी सूट है. तो ये शीयर फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा, तो यू कैन लिटरली सी द स्किन.
स्किन अंदर से एंड ये थोड़ा यहाँ तक आ रहा है बम एरिया तक एंड पीछे कोई सपोर्ट नहीं है बट आई स्टिल लव द काउल नेक इफेक्ट गोइंग ऑन द फ्रंट पार्ट. ये बेसिकली ना ऐसे समर अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ ड्रेसेज है एंड मुझे लग रहा है कि मुझे समर टाइम में ये वाली वीडियो बनानी चाहिए थी क्योंकि अभी आई एम लिटरली फ्रीजिंग दिल्ली के वेदर में. समर में भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ऐसे पहन के जाने वाली हूँ, लाइक बहुत ही कम ओकेजन्स पे, वो भी मुझे नहीं पता कहाँ, बट मोस्टली मैं इसे जीन्स एंड ऊपर इसे जैकेट वगैरह के साथ पहनूंगी तो ये टॉप लगेगा एंड नीचे का कवर हो जाएगा तो ज़्यादा मुझे अनकम्फर्टेबिलिटी नहीं होगी. सो या सो गाइस, नेक्स्ट है लाइट ग्रीन कलर में कट आउट बॉडीकॉन ड्रेस इन साइज स्मॉल. दिस इज लाइक द ड्रीम मरमेड वाली ड्रेस, चेक इट आउट. ओ माय गॉड, फील्स लाइक आई एम समर समर रेडी. देखा, मैंने अपने आप को ही कंफ्यूज कर दिया. आई लुक सो नाइस, ओ माय गॉड. सो बेसिकली आई लव द कलर, आई लव द फिट एंड आई लव हाउ इट लुक्स ऑन मी एंड इट्स लाइक अ प्रॉपर समर ड्रेस, लाइक दी समर ड्रेस फॉर मी एंड आई डोंट हैव दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस इन माय वार्डरोब एंड आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि धीरे धीरे ऐसे वाली वार्डरोब भी बिल्ड हो रही है जो कि आई नो इट्स काइंड ऑफ लाइक वन टाइम वाली ड्रेसेस बट आई स्टिल लाइक इट. इट्स लाइक गिल्टी प्लेजर फॉर मी, क्या करूं मैं. ओके सो नेक्स्ट इज द रिंग बॉडीकॉन ड्रेस इन रेड कलर. इट्स इन साइज स्मॉल. आई वोंट से इट्स द मोस्ट स्कैंडलस ड्रेस अभी तक की बट इट्स स्टिल लाइक यू नो अटेंशन ग्रैबिंग, मतलब इट इज नाइस एंड अगेन इट्स बैकलेस, पीछे रिंग दिया हुआ है एंड देयर इज क्रिस क्रॉस थिंग गोइंग ऑन. मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे यू नो लूज है, या इट इज एक्चुअली क्वाइट लूज, मुझे इसे टाइट करवाना पड़ेगा बट वैसे भी ये सही लग रहा है बट आई एम अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल. एंड अगेन ऐसे वाली ड्रेसेस के अंदर ना बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि रेड काइंड ऑफ ब्रा कौन सी पहने. यस, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड तुम सब मुझसे पूछते रहते हो सोना दी क्या पहना है आपने या फिर क्या पहनना चाहिए. मुझे भी नहीं पता. पता तो मुझे भी बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में. एंड आई गेस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. दीज आर ऑल द ड्रेसेस. अगर मैं इसे बाहर लेके जाती तो ऑब्वियसली मैं इसे काफ़ी सारे ओकेजन्स वगैरह में पहनती बट मैं नहीं पहन पाई तो देखते हैं कहाँ पहनेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही. एंड तुम्हारे पास भी कुछ आइडियाज है तो जस्ट शेयर देम विद मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग इट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके बाय.